तिवारीपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में मनमड़ों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक के पिता ने ब्याज के रुपए के लिए गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र के रामदत्तपुर में सोमवार की रात को बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी और बचाने गए फुफेरे भाई पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। रामदत्तपुर निवासी ध्यानचंद चौरसिया के दो बेटों में छोटा बेटा मुकुंद चौरसिया उर्फ सनी RMS में संविदा कर्मचारी था। सोमवार की रात वह घर पर मौजूद था, तभी अंधियारी बाग दक्षिणी निवासी विकास यादव उर्फ बंटी, भरत भूषण और एक अन्य युवक उसके पास पहुंचे। किसी काम के बहाने उसे बुलाकर घर से थोड़ी दूर पर काली मंदिर पर ले गए और बातचीत के दौरान विवाद ने बंटी और साथियों ने मुकुंद पर चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर फुफेरा भाई प्रशांत और पिता दौड़ पड़े। इसी बीच बंटी ने मुकुंद के सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी। प्रशांत ने पकड़ने का प्रयास किया तो प्रशांत के गर्दन पर चाकू से हमला कर साथियों संग फरार हो गया। परिजन मुकुंद और प्रशांत को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मुकुंद को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे SP सिटी विनय कुमार सिंह, ASP और तिवारीपुर थाना प्रभारी शुभम पटेल, समाज सेवी आदिल अमीन सहित भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंच गई और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा। सारी उठा ले एक, हाँ एक साथ लाया हूँ। गाड़ी कैसा है? गाड़ी को कौन सा है पता चलेगा? हाँ पता चलेगा। सूखा वाला सारा सामान घर पास में रखो। चार वहाँ से चार ब्लड कहाँ जहाँ ब्लड लगा है इसमें नहीं है बंटी का मामा का लड़का है। भैया को फोन कीजिए, संदेश भैया हैं तस्लीम कचहरी में हमारे आते हैं तो बातचीत थोड़ा सा और नेगेटिव उनके लड़के हैं उनको बुला देने को बता देंगे। नेगेटिव हम नहीं जानते भैया जितने हम क्या बताएंगे। उनका लड़का उससे पूछ लीजिए भैया ठोर आए हैं उनसे बताने। कल रात में मुकुंद चौरसिया और सनी चौरसिया नामक एक युवक को उसके कुछ परिचित साथी घर से बुला के ले गए और उन लोगों ने धारदार हथियार और गोली से उसकी हत्या कर दिया था। इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कल एक तिवारीपुर में मर्डर की सूचना शाम को प्राप्त हुई और उसके बाद पुलिस मौके पर गई तो उससे पहले उसके परिजन मेडिकल कॉलेज ले जा चुके थे जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसमें अभी FIR लगा दी गई है और नामजद FIR है। और जैसा कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि जो उसको ले करके अपने घर से बुला करके ले गए थे जो मृतक है उन्हीं के साथ उठता बैठता था और उन्हीं के दोस्ती यारी में था, उनके संपर्क में था और जो अभियुक्त हैं वो उनको लेकर के उसको लेकर के गए थे। फिर किसी पैसे के लेन देन को लेकर प्राथमिक जाँच में आया है कि कोई वाद विवाद हुआ और वहीं पर ही हथियार से गोली चला करके बंदे की मौके पर मृत्यु हो गई और इस संबंध में मुकदमा पहले से ही नामजद कर लिया गया है और अभियुक्तों की तलाश जारी है और एज सून एज पॉसिबल गिरफ्तार करके जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।